यहाँ पर रोशनी हो गई है तो एकदम एक्साइटमेंट हो गया है सबको। हमारे मथुरा में एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड कि अभी और कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। और मुझे तीसरी बार मुझे टिकट दिया है, इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और नेता जी और योगी जी सबको सबको और हमारे सारे ब्रजवासियों को और सबसे ज्यादा मैं राधा रानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे फिर से एक अवसर मिल रहा है। इस बार बहुत सारे विचार जो जो बैलेंस रह गया है उसके सब पूरा पूरा करना है और मोदी जी इतना कुछ आगे करने वाले हैं उसका पूरा जो जो काम वो करने वाले हैं उसका मुझे साक्षी बनकर साथ में रहना। मैंने वादा तो मैंने पहले भी किया, अभी भी किया, अभी भी करूंगी और आगे भी शायद करते रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, वो इतनी आसानी से खत्म होने वाली बात नहीं है क्योंकि पूरा नाला तो वहां से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है। दिल्ली में ये पूरा सिर्फ नाला ही नाला हमारे मथुरा में मिलता है, लेकिन इस बीच में जितने भी कार्य ये है कारखाने वगैरह है इसमें से वो सारा वेस्ट इस सब डालते हैं तो इससे भी बहुत प्रॉब्लम रहता है। और यहाँ पे कुछ 24 नाला तो है, इसमें से 20 को तो टैप कर दिया हम लोगों ने, इसके बावजूद भी फिर भी कुछ भी गड़बड़ होता है यहाँ पे, कभी कभी लीक होता है पानी में गंदा होता है, वो तो लोकल, लेकिन लोकल में आप कितना भी साफ करेंगे जो साफ होने वाला नहीं है। दिल्ली का मामला है, दिल्ली में हमें दिल्ली के जो सरकार है केजरीवाल जी से जाकर हमें बात करना पड़ेगा क्योंकि वहां से पानी हमें रोक दिया जाता है, वो दिल्ली वाले सारा पानी ले लेते हैं मथुरा के लिए नहीं छोड़ते। दिस इज द मेन इश्यू इज दैट। तो हमें सारे हरियाणा दिल्ली में सबसे बात करके हमें मथुरा के लिए स्वच्छ पानी लाना बहुत आवश्यक है, हमें करेंगे और मेरा साथ देना है। मैं चाहूँगी जितने भी ब्रजवासी जो हमेशा मेरे से सवाल करते हैं कि यमुना के लिए आपने क्या किया, मैं अब कर रही हूँ, अभी इस बार तो हम सबको साथ में जाकर इसको बोलना पड़ेगा। दिल्ली में वैसे 84 क्रॉस परिक्रमा से बहुत ही आराम मिलेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, इतना अच्छा बनने वाला है, इसका पूरा एवरीथिंग इज रेडी, अब इतने उसको स्टार्ट करना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी उसको ओके करेंगे तो हमारा अपनी कार्य शुरू हो जाएगा। इससे जितने भी श्रद्धालु आते हैं पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं परिक्रमा करने के लिए, ब्रज का परिक्रमा बहुत ही आनंददायक होता है वो और उससे कहीं कहीं कितने जगह पे पड़ाव है, चार चार दिन रुक रुक के जाता है, इट इज वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इसके लिए मैं हम अच्छी तरह से और भी बहुत बढ़िया करते देंगे। और रेलवे कनेक्टिविटी जो मथुरा से घाटगंज जो है वहाँ का एक सिंगल रोड है, उसका डबल रोड डबल लाइन का भी मैं